बनना औरत के लिए वरदान माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारण वो मां ना बन पाए तो वही वरदान उसके लिए श्राप बन जाता है। इस तरह के हालात से बचने के लिए अक्सर औरतें मजबूरी में गलत कदम उठा लेती हैं और उनकी तमन्ना उन्हें डर और तांत्रिकों की काली दुनिया की तरफ ले जाती है। ये कहानी है बनारस के रामकृष्ण शुक्ला की, उसकी पत्नी नलिनी की, उनकी मजबूरी की, उनकी ख्वाहिश की और उनके दुख की। अब देखो, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। जब समय चला जाएगा ना, तो चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, ना जाने किस जन्म के पाप का फल है ये सब। पूरी दुनिया में हमरा ही बिटवा मिला था क्या ऊपर वाले को, जो उसके गले में ऐसी बहू को बांध दिया। अरे हम ठहरे पक्के ब्राह्मण, ना तो हमारे घर में मांस मच्छी पकती है और ना ही कोई ऊंची नीची हरकत होवत है, फिर भी ना जाने किस बात की सजा मिल रही। भई हमारे जमाने में तो किसी भी औरत के लिए मां बनना सबसे बड़ा सुख होवत था। सच कह रही है आप, अगर कोई औरत को माँ बनने का सुख ना मिले तो उसकी जिंदगी बर्बाद है। क्यों कोसते रहते हैं आप लोग नालिनी को, क्या कसूर है उस बेचारी का? मुझे याद है, मुझे कहीं पहुंचना है। अरे ये तो पी लीजिए। नहीं, जाना बहुत जरूरी है। बिटवा तुम तो कुछ बोलो ही मत, ये तो हमारी ही गलती थी जो हमने हाँ कह दी और ऐसी लड़की को इस घर की बहू बनने दिया। ये तो तुम्हारा प्यार है जो बहू इस घर में है, नहीं तो मैं तो उसे कब का इस चौखर से बाहर कर देती और तेरा ब्याह कर देती, इस खानदान को आगे बढ़ा देती। बस माँ, अब आप बाहर वालों के सामने भी माँ आप समझती क्यों नहीं है? ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी लड़की के साथ। जिसके साथ होना हो, लेकिन मेरी बहू के साथ ऐसा हो ये मुझे मंजूर नहीं। ठीक है माँ, अगर आप ये सब बंद नहीं करेंगी तो मजबूरन मुझे नलिनी के साथ घर छोड़ के जाना पड़ेगा। मुझे और नलिनी को हर रोज एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता था। मैं घर का इकलौता बेटा हूँ, हमारी शादी को 5 साल हो गए थे और हमें कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जो बात मेरी माँ के लिए बहुत बड़ी थी और इसी वजह से हमारे घर में रोज झगड़े बढ़ रहे थे। ऐसे में मेरी मदद मेरे एक दोस्त ने की, उसने मुझे एक अघोरी बाबा के बारे में बताया और अगली ही रात को मैं नलिनी को लेकर उस अघोरी बाबा कपालिक के यहाँ गया।
आ जाओ आ जाओ। सुल्तान की चाहत तुम्हें यहां ले ही आई। कल रात्रि के ठीक 12 बजे आप दोनों यहां आएंगे। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। कोई प्रश्न मत करना, जल्द से नलिनी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो है जो सही नहीं है। सही यही होगा कि हम वहां जाने से पहले सोचे बिना। हो क्या क्या सुरेन, आज जब एक आखिरी उम्मीद दिख रही है तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुमने बाबा जी की आंखों का तेज देखा था सुरेन? मैंने देखा था, एक उम्मीद दिखी थी मुझे, लगा था सालों का सपना सच होने वाला है। बस हमें बिना झिझक के बाबा जी के शरण में जाना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ चले। याद रहे, कल रात ठीक 12 बजे
नलिनी, नलिनी क्या कर रही हो तुम यहाँ? यहाँ मैं क्यों? तुम नींद में चल रही थी? नहीं, नहीं पता मैं यहाँ कैसे? कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम शायद कुछ ज्यादा सोचने लग गई हो। चलो, कुछ नहीं हुआ, चलो आओ। सब हमारे साथ हैं। हम अंगोरी अंगोरी आया। हम अंगोरी अंगोरी के समाधान के लिए तुम लोग कई डॉक्टर के पास गए, आगे से ऐसी गलती मत करना। जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए तुम
लोग किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। याद रहे, तुम्हारी जरा सी भूल तुम्हारे इस बच्चे की जान ले सकती है। ध्यान रहे, जाओ। अब तुम लोग जा सकते हो, जाओ। बात खोजो। क्यों भाई, क्या हुआ? वही जिसका तुम्हें और मुझे सालों से इंतजार था। सुरेन, यह हाथ रखकर बताओ कि क्या तुम भी हमारा बच्चा महसूस कर सकते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारा बच्चा सच में इस दुनिया में आने वाला है। के सवालों का जवाब दूंगी। हर उस इंसान के सवाल का जवाब जिसने मुझ पर उंगली उठाई, चुन चुन कर दूंगी। नलिनी, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो ये? घबरा गई उषा। सालों बाद जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल रही है ना, शायद इसलिए। शायद मैंने भी यही सुना है, जब प्रेग्नेंट होने लगती हैं लड़कियां तो ऐसी नर्वस होती हैं। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अरे नलिनी बेटा, तुम यहाँ? मैं तो प्रातः काल की गंगा पूजा के लिए यहाँ आई हूँ, लेकिन
ऐसे हाल में तू यहाँ क्या कर रही है? सब ठीक है ना बेटा? अघोरी ने उनकी मुराद पूरी कर दी। संतान का सुख पाने के लिए जो रास्ता उन्होंने चुना था वो उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला था इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। नलिनी को मानो होश नहीं था, यहां तक कि उसके हाथों हत्या जैसा घोर पाप हो गया। पर वो ये सब क्यों कर रही थी? क्यों नहीं थी उसकी आत्मा उसके वश में? क्यों उस अघोरी ने डॉक्टर के पास जाने से मना किया? क्या कर रही है? नाक ठीक है तुम्हारा? छोड़ो इसे। इस घर में कोई मांस मच्छी को हाथ तक नहीं लगाता। अरे तुमसे बोल रहा हूं मैं। की वजह से दर्द तरह के चीज खाने का मन कर भूख लगी है। कुछ ठीक नहीं कर रहा, कुछ तो है। नालिनी, नलिनी
नलिनी, कोई बात नहीं बहुरिया, ऐसा होता है। अब डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते, पर ये बात तो पक्की है कि तुम हमरे को कुलदीपक दे रही हो। सुरेंद्र बिटवा, हमें बहुत घबराहट हो रही है, बात कुछ गहरी है। नलिनी को उल्टी हो रही थी, औरत माँ बनती है तो उसे सूखी उल्टी होती है, ये हरे रंग की उल्टी का मतलब समझते हो? बहुरिया को किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। क्या खाऊं? नॉनवेज तो है नहीं, घास फूस कौन खाए? हमें तुरंत उसे ब्रह्मानंद बाबा के पास लेकर जाना होगा। उस हादसे के बाद मैं नलिनी को एक बहुत पहुंचे हुए पंडित बाबा ब्रह्मानंद के पास लेकर गया, जो कुंभ में जाने से पहले बनारस आए थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम लोगों को उस दुष्ट कपटी अघोरी के पास नहीं जाना चाहिए था। जिस दिन से बेटी के अंदर एक नन्ही सी जान का एहसास हुआ है, उस दिन से हर रात ये उस कपटी अघोरी के दर्शन करने जा रही है। दुष्ट अघोरी अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए इस बेचारी को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब पानी सर से बहुत ऊपर जा चुका है, और अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तो इस अनर्थ को हम में से कोई भी रोक नहीं पाएगा। नलिनी गर्भवती नहीं है, वास्तव में नलिनी के गर्भ में एक बहुत ही शक्तिशाली और बुरी आत्मा का वास है। जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी नलिनी, उनके पास समय बहुत कम था। बाबा ब्रह्मदेव के मुताबिक नलिनी की गर्भ में रहने वाली बुरी आत्मा से छुटकारा पाने के लिए उन्हें उसी रात शमशान में पूजा करनी। फिर क्या हुआ? क्या बाबा नलिनी को उस बुरी आत्मा से बचा पाया, या नलिनी की ख्वाहिश उसे खौफ की अंधेरी दुनिया में ले गई?
बैठा दो इसको यहां। बैठो नलिनी, बैठो। अहम वश्वा नरो भुक्त्वा प्राणेनम देहेमा सितः प्राणापनया समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम्। अहम वश्वा नरो भुक्त्वा प्राणेनम देहेमा सितः प्राणापनया समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम्। अहम वश्वा नरो भुक्त्वा प्राणेनम देहेमा सितः प्राणापनया समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम्। अहम वैश्वा नरो भुक्त्वा प्राणेनम देहेमा सितः प्राणापनया समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम्। अहम वैश्वा नरो भुक्त्वा प्राणेनम देहेमा सितः। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी साधना को भंग करने की? इसकी सजा मिलेगी उसे। कोशिश नहीं तो तुम सबके सब मारे जाओगे। नलिनी,
नलिनी तुम ठीक तो हो? घबराओ मत, मैं हूं यहां पर, घबराओ मत। बेटा इस रस्सी के बंधन से उसे मुक्त कर दो। उस बुरी शक्ति को नलिनी से अलग करने में हम सफल हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो बुरी शक्ति नलिनी पर फिर से प्रहार करने की कोशिश करेगी, इसलिए हमें उस शक्ति को ही नष्ट करना होगा। ए मूर्ख, शायद तुमको मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं। सुरेंद्र, मैंने नलिनी को सुरक्षा कवच से बांध दिया है ताकि वो बुरी आत्मा नलिनी के शरीर में प्रवेश ना कर सके, लेकिन इस बुरी आत्मा को नलिनी पर दोबारा हावी होने से बस ये अघोरी ही रोक सकता है, क्योंकि सारी परेशानी की जड़ ये अघोरी ही है। भागो यहां से। उस घटना के एक साल बाद नलिनी के मां बनने का सपना सच हुआ। आज हमारी एक प्यारी सी बेटी है, लेकिन आज भी नलिनी वो सारी बातें भूल नहीं पाई, क्योंकि उसने मौत को बहुत करीब से देखा है और उसके लिए ये सब कुछ भूल पाना बहुत मुश्किल है। अघोरी विद्या दुनिया के सबसे खतरनाक काले जादू की विद्याओं में से एक मानी जाती है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो काले जादू के जाल से निकल पाते हैं। राम और नलिनी भी उनमें से एक थे। निसंतान लोगों को गलत रास्ता अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि डर दिखाई नहीं देता, उसे जाना और पहचाना नहीं जा सकता। जिसे आप समझ नहीं सकते उससे बचेंगे कैसे आप? दहशत की अगली कड़ी में मैं आपको दिखाऊंगा एक अद्भुत
अलौकिक अंधे का सच। देखते रहिए फियर फाइल्स, दहशत दोबारा।